नमस्कार, वीएमए भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिरोही में बोरवेल में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दौसा में प्याज के भाव ने बिगाड़ा गृहणियों का बजट, प्याज बिक रहा है 100 रुपए प्रति किलो। श्रीगंगानगर में 33 किलो डोडा चूरा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस दोनों तस्करों से कर रही है पूछताछ। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। राजस्थान के सिरोही जिले के शिवगंज में एक मासूम बच्चे के बोरवेल में गिरने का मामला सामने आया। घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। यहां गांव छिबा के खेत में बच्चा खेलते खेलते दुर्घटनावश खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना पर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा शिवगंज थाने को घटना की सूचना मिली तो प्रशासन हरकत में आया और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरे देश में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के दौसा जिले में भी सब्जी मंडी में गुरुवार को प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है। बता दें 100 रुपए प्रति किलो तक प्याज के भाव पहुंचने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई ने किचन के साथ साथ घर की अन्य चीजों के बजट को भी बिगाड़ कर रख दिया है। वहीं लालगढ़ जाटना पुलिस ने बाइक सवार दो तस्करों के पास से 33 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस ने गश्त लगाने के दौरान की। पुलिस दोनों तस्करों कुलप्रीत सिंह और सुखपाल सिंह से गहनता से पूछताछ कर रही है। यह जानने की कोशिश में है कि ये वह मादक पदार्थ की सप्लाई गाँव में चक्कैरा में किसे करने वाले थे और साथ में इसमें और कौन कौन अपराधी संलिप्त थे। वहीं मनोहरपुर के निकटवर्ती नवलपुरा ग्राम पंचायत के गांव मामटोरी खुर्द के बुनकर मोहल्ले में फॉगिंग करवाने के लिए सीएससी के वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धनखड़ को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें बुनकर मोहल्ले में डेंगू मलेरिया वायरल बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले भी इसी गाँव में एक महिला की मौत हो चुकी है। इस संबंध में सरपंच को भी अवगत करवाया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सामाजिक शिक्षा सांस्कृतिक क्लब मसावता के तत्वाधान में एक कदम शिक्षा की ओर के तहत जन सहभागिता जर्सी वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालय मसावता में पढ़ रही कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। भारत तिब्बत सीमा पर 7वीं बटालियन मिर्थी में तैनात आईटीबीपी जवान छोटे लाल का 3 माह से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिनका कल निधन हो गया। जिसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर आईटीबीपी के ट्रक में गत बुधवार को देर रात घर पहुंचाया गया। वहीं आज राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गाँव ग्राम पंचायत खेड़ला के बलवंतपुरा में अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पुष्प चक्र अर्पित करते हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आज का युवा इसे साहस और रोमांच से परिपूर्ण व्यायाम भी मानते हैं। यही सोच लेकर विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार से चलकर 13 विद्यार्थियों का दल 5 दिन और 390 किलोमीटर की साइकिलिंग करके आज राजधानी के अल्बर्ट हॉल पहुंचा। इस मौके पर साइकिलिंग में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विजेता जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर जीएल शर्मा सभी प्रतियोगियों का अभिवादन कर उन्हें प्रेरित करेंगे। जर्मन स्पीकर्स क्लब के संयोजक देवकरण सैनी ने बताया कि यह दल हिसार रोहतक मनोरपुर अचरौल कुंडा होता हुआ जयपुर पहुंचा। जो इन बच्चियों ने आज जो कारनामा किया है हिसार से लेकर जयपुर की साइकिल यात्रा करी है 390 किलोमीटर की, ये काबिले तारीफ है। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ होते हुए इन सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा और जैसे कि अपने हृदय के लिए कसरत बहुत ज़रूरी है, साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है पूरे शरीर के लिए, हृदय के लिए तो विशेष रूप से। साइकिलिंग से अपना हृदय चुस्त दुरुस्त रहता है, मन स्वस्थ रहता है
और अपनी मांसपेशियाँ भी अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है। इसके साथ साथ में साइकिलिंग करने से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। मैं तो आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से और बच्चियों के माध्यम से कि आम जनता को जब भी समय मिले अपने एक्सरसाइज के रूप में साइकिलिंग करनी चाहिए और साइकिलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइकिलिंग आप घर में ही कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, स्टेशनरी साइकिलिंग कर सकते हैं, और साइकिलिंग से आपका पूरा बॉडी इवन एनवायरनमेंट पूरा अच्छा। वहीं कानोता इलाके में 7 दिन पहले मृत मिले युवक की हत्या उसके परिजनों ने रंजिश के चलते की थी। आरोपी सट्टे का धंधा करते थे, मृतक युवक उन्हें धमका कर रुपए वसूला करता था। इस मामले में मृतक की शिनाख्त भी बड़ी मुश्किल से की गई क्योंकि उसका सिर कुचल दिया गया था। इस बीच उत्तर जिले की विशेष शाखा में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह पाल को सूचना हाथ लगी, जिससे मृतक की पहचान रामगंज बाबू का टीबा निवासी अशरफ के रूप में हुई। 27 नवम्बर की टीपी नगर चौराहे पर जामडोली निवासी सुरेश कुमार मित्तल और मतदाता नगर निवासी अशरफ के साथ शराब पीते हुए देखा गया था। यह सूचना पूर्व जिले को दी गई और दोनों आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट में भी कई मामले पहले से भी थाने में दर्ज थे। 28 तारीख को जो घटना हुई थी इसका कल खुलासा किया है, तो इसका क्या प्रक्रिया था? ये 28 तारीख को सुबह 9 बजे खबर मिली थी कि कानोता बांध के पास में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसका सिर कुचला हुआ है तथा चेहरा भी कुचला हुआ है, जिस पर हम मौके पे गए, FSL से मौका मुआयना कराया, सारी घटना को तस्दीक किया। उसके बाद में हमने विभिन्न समाचार पत्रों में उसकी खबर निकलवाई, पंपलेट बांटे, जगह जगह मुश्तरी जारी करवाई, लेकिन पता नहीं चला। मीनवाइल जो हमने इसके जो पंपलेट बांटे और सार्वजनिक जगहों पर चिपकाए, इस मामले को लेके एक नॉर्थ में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पाल सिंह, उसको सूचना मिली कि एक व्यक्ति है अरशद उर्फ हिप्पा नाम का, जो रामगंज का रहने वाला है, वो 27 तारीख को शाम को किन्हीं व्यक्तियों के साथ में था, उसके बाद में वो नजर नहीं आया कहीं भी। इस बात की तस्दीक हुई, हमने प्रयास के दौरान ये पता चला कि एक्चुअल में अरशद उर्फ हिप्पा 27 की शाम को दो व्यक्तियों के साथ में था, एक तो अरशद उर्फ चक्री है और दूसरा है उसके साथ में सुरेश मित्तल उर्फ सन्नू चाचा, उसके उन दोनों के साथ में बैठ के शराब पीता हुआ देखा गया, उसके बाद में कहीं नजर नहीं आया। जब घटना को तस्दीक किया तो पता चला कि एक्चुअल में वो गायब था और इन्हीं दोनों व्यक्ति लास्ट टाइम उसके साथ थे। हमने इन दोनों व्यक्तियों को दस्तियाब करके पूछताछ के दौरान पता चला कि इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने जुए सट्टे के विवाद को लेके उसकी शराब पिला के हत्या की है। दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जो हत्या के आरोपी हैं और जो अरेस्ट हो चुके हैं उनके खिलाफ भी विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जुआ सट्टे के हैं, और दूसरा व्यक्ति जो अरशद आरोपी है अरशद, उसके खिलाफ मारपीट और जुआ दोनों के मामले दर्ज हैं। तो सर ये आपको कोई गोपनीय सूचना मिली थी इस बारे में? हाँ, गोपनीय सूचना के साथ साथ महत्वपूर्ण जो काम हमें बताया गया वो सुरेंद्र पाल सिंह हेड कांस्टेबल है, जिला नॉर्थ का रहने वाला है, आसूचना उसने हमें लाके दी थी। तो आपकी टीम में कौन कौन लोगों ने आपके पास? हमारे टीम में CP साहब का डायरेक्शन है, एडिशनल DCP पट्टन का डायरेक्शन है, DCP साहब का है हमारे, और हमारी ACP मैडम है, एडिशनल DCP ईस्ट है, उन सबके साथ में एक टीम भावना से कार्य किया गया और पूरी कमिश्नरेट ने एकजुट होकर काम किया। इसी तरह की देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यामा भारत TV के साथ। नमस्कार।